नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्त्री टू वेदा और खेल खेल में के चार दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं खेल खेल में के चार दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो मुदासार अजीज के डायरेक्शन में बनने वाली खेल खेल में, जिसके लीड रोल में आपको अक्षय कुमार के साथ वाणी कपूर, तापसी पन्नू, फरदीन खान, एमी विर्क जैसे कास्ट यहां पे देखने को मिल रहे हैं। वहीं इस फिल्म का जो कि कलेक्शन है वो जान लेते हैं। तो अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन से 5,05,00,000 के साथ शुरुआत की थी। वहीं इसके दूसरे दिन यानी कि 1,00,00,000 का कलेक्शन देखा जाए तो 2,05,00,000 रहा था। वहीं तीसरे दिन यानी कि सैटरडे का कलेक्शन देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला और 3,30,00,000 की कमाई की। अगर बात करते हैं इसके चौथे दिन यानी कि अगर आज संडे का कलेक्शन देखा जाए तो आज भी करीब यहाँ पे 4,00,00,000 के आसपास का कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है। टोटल यहाँ पे देखा जाए चार दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन तो 14,40,00,000 हो चुका है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन देखा जाए तो 17,25,00,000 हो चुका है। ओवरसीज यानी कि विदेशों से देखा जाए तो 5,00,00,000 की कमाई कर चुकी है। टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन यहाँ पे चार दिनों में 22,25,00,000 हो चुका है, जो कि इस फिल्म का बजट है 100,00,00,000 के अराउंड। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यह मूवी अभी ठीक ठाक कलेक्शन कर रही है। देखते हैं कि आगे चल के किस तरह का यहाँ पे परफॉर्मेंस रहता है। तो चलिए अब जान लेते हैं वेदा के चार दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो निखिल आडवाणी के डायरेक्शन में बनने वाली वेदा, जिसके लीड रोल में आपको जॉन अब्राहम के साथ सरवरी वॉग, अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटिया यहाँ पे नजर आ रही हैं। वहीं इस फिल्म का जो कि कलेक्शन है शुरुआती वो जान लेते हैं। तो अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन से 6,30,00,000 के साथ शुरुआत की थी। वहीं इसके दूसरे दिन यानी कि शुक्रवार का कलेक्शन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला और मात्र 1,60,00,000 की कमाई की। उसके बाद इसके जो कि तीसरे दिन यानी कि सैटरडे का भी कलेक्शन देखा जाए तो 2,50,00,000 रहा। वहीं चौथे दिन अगर आज यहाँ पे संडे का कलेक्शन देखा जाए तो आज करीब यहाँ पे 3,10,00,000 के आसपास का कलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। चार दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन देखा जाए तो 13,70,00,000 हो चुका है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 16,30,00,000 हो चुका है। ओवरसीज से करीब 3,00,00,000 की कमाई की है। टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन यहाँ पे चार दिनों में 19,30,00,000 हो चुका है। इस फिल्म का जो कि बजट है वो 60,00,00,000 के अराउंड है। तो देखते हैं कि आगे चल के यहाँ पे किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है और अपने बजट के आसपास यहाँ पे पहुँचती है या नहीं पहुँचती। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं स्त्री टू के चार दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनने वाली स्त्री टू, जिसके लीड रोल में आपको श्रद्धा कपूर के साथ राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी जैसे कास्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वहीं इस फिल्म का जो कि शुरुआती कलेक्शन है वो जान लेते हैं। तो स्त्री टू ने अपने रिलीज से पहले प्री रिलीज से ही 8,50,00,000 की कमाई कर ली थी। उसके बाद जो कि इसके पहले दिन का अगर इंडिया नेट कलेक्शन देखा जाए तो 51,80,00,000 की कमाई की। उसके बाद दूसरे दिन यानी कि फ्राइडे का कलेक्शन देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं था कि इस तरह का यहाँ पे कलेक्शन होगा, लेकिन अपने दूसरे दिन यानी कि फ्राइडे जो कि वर्किंग डे होने के बावजूद भी इस फिल्म ने 31,40,00,000 की कमाई की। उसके बाद इसके तीसरे दिन यानी कि सैटरडे का कलेक्शन देखा जाए तो अभी करीब 11 बजे का यहाँ पे डाटा है, उसके अनुसार यहाँ पे देखा जाए तो 44,00,00,000 के आसपास यहाँ पे कलेक्शन हो चुका है। तो ये भी एक कमाल का यहाँ पे कलेक्शन है। उसके बाद इसके चौथे दिन यानी कि संडे का कलेक्शन देखा जाए तो कल जिस तरह का यहाँ पे कलेक्शन था और आज जिस तरह का ऑक्युपेंसी है उसके हिसाब से इजीली यहाँ पे 50,00,00,000 क्रॉस करते हुए नज़र आ रही है और करीब 55,00,00,000 के आसपास यहाँ पे कलेक्शन करते हुए नज़र आ रही है। इससे भी ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है जिस तरह का इस फिल्म का जो कि हाइप है। टोटल चार दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन देखा जाए तो 180,70,00,000 हो चुका है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 229,00,00,000 हो चुका है। ओवरसीज से देखा जाए तो करीब 20,00,00,000 की कमाई कर चुकी है। टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन यहाँ पे 249,00,00,000 हो चुका है, जो कि इस फिल्म का बजट मात्र 50 से 60,00,00,000 था। तो अपने बजट के हिसाब से यह मूवी अपने ही चार ही दिनों में एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि स्त्री टू आने वाले दिनों में किस तरह का परफॉर्मेंस करने वाली है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह के बॉक्स ऑफिस डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।